हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहेंगे, जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का हाल ही में इन्फो आता हुआ देखने को मिला था, जो कि 27 जून को क्लोज हो चुका है। और इस फंड के बारे में हम आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कब ये फंड लिस्ट होने वाला है, सारा कुछ देखेंगे। और एक बड़ी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, वो भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हम आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहेंगे कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, जो कि हाल ही में क्लोज़ हुआ है, इसमें एन्फो के जरिए जो मोतीलाल ओसवाल AMC हैं, उन्होंने तकरीबन 1600 से भी ज़्यादा करोड़ रुपये का फंड रेस किया है इस एन्फो के जरिए। और ये आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट एन्फो रहा है, जिसमें कि 1600 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एन्फो के जरिए। और जनरली एन्फो के जरिए हमें इतने ज़्यादा फंड रेस देखने को नहीं मिलता है किसी भी AMC की तरफ से। और ये कुछ सूत्रों के मुताबिक ये आज तक का सबसे बड़ा एन्फो है, और इतना ज़्यादा पैसा आज तक किसी भी एन्फो में नहीं जुटाया गया है फिलहाल। और हम आपके साथ अपडेट और भी शेयर करना चाहेंगे। देखिए, शेयर बाज़ार में डिफेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में इस समय ज़ोरदार रैली चल रही है। खास करके बीते एक महीने में अगर आप देखेंगे ना, जो डिफेंस के स्टॉक हैं, देख सकते हैं एक महीने में HAL का शेयर, जो कि डिफेंस सेक्टर को का शेयर है, डिफेंस सेक्टर का शेयर है, और यहाँ पर बीते एक महीने में 27% तक के रिटर्न है। और अगला स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बीते एक महीने में देखेंगे तो 24% तक के रिटर्न है। और अगला स्टॉक भी देख लेते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीते एक महीने में देखेंगे तो 35% तक के रिटर्न है। मतलब यहाँ तो रिटर्न ऐसे बन रहे हैं कि जैसे कि क्या ही कहने हैं। और यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में बीते एक महीने में 66% के रिटर्न। और यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं बीते एक महीने में 36% के रिटर्न। और यहाँ पर एक और देख लेते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में बीते एक महीने में 89% के रिटर्न। बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई कुछ नहीं सोच सकता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने ज़्यादा रिटर्न कैसे बन रहे हैं। और कुछ अच्छी अपडेट्स भी आई थी डिफेंस सेक्टर को लेकर के, जिनका अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, पर यहाँ पर रिटर्न जो है बिल्कुल अंधाधुंध बन रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, जिसके जरिए अब लोग जो डिफेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, और काफ़ी हद तक अब लोग इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। और जिस वजह से इस वाले फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, 1600 करोड़ रुपये से ज़्यादा एन्फो के जरिए इसमें लोगों ने निवेश किया है। और क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों को लॉन्ग टर्म बैठना है, और हर महीने SIP भी यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ कर आने वाली है, जिससे आने वाले समय में डिफेंस जो सेक्टर है वो और भी बूस्ट हो सकता है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। और बाकी और भी अपडेट देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ। मोतीलाल ओसवाल AMC ने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोजर लेने के लिए निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च किया था। 13 जून से 27 जून तक एन्फो खुला हुआ था। मोतीलाल ओसवाल AMC ने बताया कि एन्फो के जरिए उन्होंने 1676 करोड़ रुपये जुटाए हैं। निवेशकों को 3 जुलाई को यूनिट्स अलॉट कर दिया गया है, और 9 जुलाई से निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए मोतीलाल ओसवाल AMC के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड खुल जाएगा। और इसी तारीख से कोई निवेशक अगर पैसा निकालना चाहता है, रिडेम्पशन कर सकता है, और यहाँ पर आपको ये एक तरह से ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में। और बाकी और आगे की बात की जाए तो देखिए, इस जो डिफेंस इंडेक्स है, इसमें आपको कई सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर को कवर करते हैं। और यहाँ पर आपको निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स में ऑपरेट करने वाली डिफेंस कंपनियों के प्रदर्शन का असर देखने को मिलेगा। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 31 मई 2024 तक CAGR के बेसिस में, बता दें बीते एक साल तक 176% के रिटर्न देखने को मिल रहे थे, यानी 31 मई को और 31 मई 2024 से 31 मई 2023 तक अगर आप देखेंगे तो 177% तक के इसमें रिटर्न थे। और यहाँ पर बीते एक साल में काफ़ी बड़ा रिटर्न बना है, और बीते एक महीने में देख लेंगे तो वहाँ भी बहुत ही शानदार परसेंट के रिटर्न बने हैं। तो देखिए, जिस तरह से रैली देखने को मिल रही है डिफेंस सेक्टर में, लोग का जो अब रुझान है वो अब इंडेक्स, ये जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, इसको लेकर के काफ़ी बुलिश है, और लोग इसमें निवेश करना प्रेफर कर रहे हैं। बाकी बताना चाहेंगे, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के जरिए अगले 6 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में 100 से 120 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जो विस्तार होने वाला है उसका लाभ उठाना चाहता है। और जो भारत है वो रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने के मामले में दुनिया के 4थे पायदान पर आता है। और नोमोरा रिसर्च के मुताबिक भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर के 2031-32 तक करीब 138 बिलियन डॉलर का अवसर लेकर आ रहा है,
जो कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये सारा कुछ अपडेट है जो कि मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को लेकर के आ रहा है, और ये कब फंड आपको लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा वो भी हमने बता दिया है। तकरीबन 9 जुलाई को आपको ये जो म्यूचुअल फंड है बाज़ार में लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वहाँ से फिर आप जो अपनी यूनिट्स वगैरह हैं विड्रॉ कर सकते हैं, और जो लोग नई यूनिट्स ख़रीदना चाहते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये म्यूचुअल फंड है देखिए, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी मत सोच के आइएगा। और लॉन्ग टर्म से मतलब है 3 साल या उससे ज़्यादा है, कम से कम 3 साल, और 5 साल तक का एटलीस्ट लेके चलेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो जब ये फंड लाइव हो जाएगा तब आप निवेश कर सकते हैं। बाकी हम एक आपके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बाज़ार में एक और डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो कि HDFC डिफेंस फंड है, और इसके भी बीते एक साल के रिटर्न 143 के अराउंड हैं, और ये भी डिफेंस सेक्टर को ही कवर करता है। तो आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, आपको जो फंड अच्छा लगे उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं SIP के थ्रू, और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर पर। लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करिएगा, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे चुका है बीते 1-1.5 साल में। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।